आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं Redmi Note 6 Pro का कैमरा सेटिंग्स इन डिटेल। जैसे कि आपको पता है, चैनल फेमस है इसलिए क्योंकि मैं इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ रिव्यूज करता हूँ, इन डेप्थ डिटेल सेटिंग्स बताता हूँ कि कैसे आप अपने कैमरास को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि बेस्ट इमेज उससे आप कैप्चर कर सकते हैं। तो वही हम देखेंगे, Redmi Note 6 Pro का देखेंगे हम। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, लेट टू द पार्टी, क्योंकि ऑलरेडी कपल ऑफ मंथ्स हो चुका है लॉन्च होके Redmi Note 6 Pro। खैर कोई बात नहीं, अभी अभी आप पिक्चर्स भी ले रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपका जो परसेप्शन रहता है कि ऐसा ही कैप्चर करना है, वो वाला बिल्कुल चेंज कर दूंगा मैं अभी। तो फुल वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वैसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट हो सके। वैरायटी ऑफ इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाया हूँ इस चैनल पर, आप देख सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। तो सबसे पहले आपको चेंज करना है Redmi Note 6 Pro में, जो कि यहाँ पर है 3 stripes, तो इस पर टैप करेंगे तो सेटिंग्स है। तो पहला हम सेटिंग्स पर जाएंगे। देखिए Redmi Note 6 Pro बाय डिफ़ॉल्ट जो कैप्चर करता है, थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड रहेगा इमेजेस, उसको आप पहले चेंज करना है अगर आप शार्प इमेजेस चाहते हैं तो। तो शार्प इमेजेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेटिंग्स पर जाके यहाँ पर शार्पनेस जो है ये नॉर्मल रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप पहले इसको हाई रखिए, हायर या हाईएस्ट, लो लोअर लोएस्ट ये सब नहीं रखना है, आपको रखना है हाई। तो इसके बाद सैचुरेशन, सैचुरेशन ये पर्सनल प्रेफरेंस है। देखिए अगर आप फ्लावर्स ऐसे विविड इमेजेस कैप्चर करना चाहते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी कहो, तो ऐसे में आई वुड सजेस्ट कि आप हाई पर रख सकते हैं सैचुरेशन को। लेकिन क्या होगा कि देखिए, अभी मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा यहीं पर। पहले बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल था, तो नॉर्मल रखेंगे सैचुरेशन। तो यहाँ पर जो लीफ है, मैं इसका अभी एक कैप्चर करके आपको दिखाऊंगा कि ये जो येलोस एंड ग्रीन्स है कैसे कलर्स लेता है, अभी देखिए। सो दिस इज़ विद दी नॉर्मल सैचुरेशन। अभी हम सेटिंग्स पर चेंज करके इस चीज़ को हाई करेंगे। अभी येलोस एंड ग्रीन्स आप गौर कीजिए, अगेन सेम एंगल, एवरीथिंग सेम। हाँ, तो नाउ यू शुड सी द इमेज। देखिए यहाँ पर येलो एंड ग्रीन्स, तो येलो एंड ग्रीन पर आप देखिए कैसे लेता है ये वाला इमेज एंड बिफोर इमेज। तो ये जो ग्रीन एंड ये जो येलो ब्लू जो है वो सैचुरेट करके आपको लिटिल बिट ऑफ सैचुरेशन, क्योंकि हमने हायर या हाईएस्ट नहीं रखा है, ध्यान रखे हमने रखा है सिर्फ हाई। तो इसके वजह से पर्सनल प्रेफरेंस होगा आपको, अगर ऐसे अच्छे इमेजेस लगते हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप क्या करें कि सैचुरेशन हाई रखें, शार्पनेस को हाई रखें, एंड कॉन्ट्रास्ट क्या करना है, हाई नहीं रखना है, इसको एक स्टेप लो करना है। तो एक स्टेप लो करके आप पिक्चर्स को कैप्चर कीजिएगा, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कितना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर भी आता है। तो ऑलवेज़ यूज़ टैप टू फोकस, मैं वो भी आपको बताऊँगा जल्द ही, जस्ट आप फुल वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इंटरेस्टिंग सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ। तो ये वाला देखिए कितना ब्यूटीफुल इमेज लग रहा है। डेफिनेटली आपको चेंज लगेगा जब आप ये दो सेटिंग्स जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको चेंज करके आप पिक्चर को कैप्चर करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे ब्यूटीफुल इमेजेस आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, येलोस हो, वाइट्स हो, ग्रीन एंड जो बोके है पीछे वो वाला भी ब्यूटीफुल सुपर लेता है अगर आप ऐसे चेंज करेंगे तो। क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फोटोज़ कैप्चर करते वक्त कि शार्प इमेजेस आए, तो इसके वजह से आई वुड हाईली रिकमेंड यू चेंज दीज सेटिंग्स। आप इस चीज़ को चेंज करके कौन सा रखना है, कॉन्ट्रास्ट लो, सैचुरेशन हाई, शार्पनेस हाई, तो ये वाला आप चेंज करके कैप्चर कीजिए, बहुत अच्छा इमेजेस आता है। एंड उसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो सेटिंग्स और मैं बताऊँगा, इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में सारा का सारा जो कैमरा सेटिंग्स है वो एक्सप्लेन करूँगा, आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को। उसके बाद और एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें सिर्फ मैनुअल मोड एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे आप बेहतरीन इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर ऑटो एक्सपोजर सेटिंग्स है। तो क्या है ये ऑटो एक्सपोजर सेटिंग्स, सेंटर वेट, फ्रेम एवरेज, स्पॉट मीटरिंग, जैसे कि DSLR में रहता है वैसे वाला है भैया यहाँ पर। तो देखिए सेंटर वेट, जैसा कि नाम है मतलब कि जो फ्रेमिंग में सेंटर रहेगा तो मीटरिंग जो है हमेशा सेंटर पर करेगा, फोकस नहीं, मीटरिंग। मीटरिंग यानी कि कैमरा सेंसर, कैमरा इमेज सेंसर में जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखे रहते हैं उसके आधार पर क्या करेगा कि सेंटर वेट, मतलब कि सेंटर में जो लोग हैं, जो फ्रेमिंग आप बना रहे हैं
उसके आधार पर एक्सपोजर को चेंज करके वो सेटिंग लेगा, तो वैसे इमेजेस आते हैं आपको। तो कहाँ पर कौन सा कैसे यूज़ करना है, तो सेंटर वेड आप कब यूज़ करें, जनरल जो स्ट्रीट फोटोग्राफी आप कैप्चर करते हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स का, दो तीन लोग खड़े होंगे ना तब आप कैप्चर कर रहे हैं तो सेंटर वेड रखना है। अगर आप लीव्स कैप्चर करते हैं, फ्लावर्स कैप्चर करते हैं या फिर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कैप्चर कर रहे हो इमेज में, तब जाकर आपको स्पॉट मीटरिंग रखना है। जैसे कि अभी लीफ है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे में स्पॉट मीटरिंग रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं एक इमेज कैप्चर करके दिखाऊंगा आपको, तो अभी देखिए आप कितना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आता है। एज़ यू कैन सी बहुत शार्प इमेज है, पीछे देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर। तो ये वाला सेंटर वेड में इतना ब्लर नहीं मिलेगा आपको, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख के कौन सा सिचुएशन में कैप्चर कर रहे हैं उसके आधार पर ये ज़रूर चेंज करके आप पिक्चर्स लीजिए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स के लिए लाइक करना इस वीडियो को, भूलना नहीं दोस्तों। तो नेक्स्ट है फ्रेम एवरेज। जैसा कि नाम है फ्रेम एवरेज, तो पूरा का पूरा फ्रेम जो है फुल फ्रेम एवरेज लेगा वो। मतलब कि क्या करेगा, अगर आप लैंडस्केप इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं या फिर अगर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स है, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी हेल्प होगा यूजुअली। अगर आप फुल फ्रेम इंटैक्ट फोकस एंड एक्सपोजर चाहते हैं अच्छा, तो आई वुड सजेस्ट फ्रेम एवरेज रख के आप कैप्चर करें। देखिए अभी इतना बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलेगा जितना कि आपको स्पॉट मीटरिंग से मिला था, तो यही मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। जस्ट ऑब्जर्व द बोके, यहाँ पर दिस इज़ विद द फ्रेम एवरेज। तो इससे पहले हमने स्पॉट मीटरिंग रख के कैप्चर किए थे ना, तो देखिए कितना बैकग्राउंड ब्लर है। तो यहीं पर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कैसे मीटरिंग वर्क होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे अगर टिप्स के रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आप इस चीज़ को सिर्फ इतने सेटिंग्स को आप चेंज करके कैप्चर करके मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि कैसे इंप्रूव हुआ आपका इमेज क्वालिटी। तो लाइक पर ठोके सब्सक्राइब करके बने रहिए, अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।